हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द अनादर पार्ट ऑफ पोएम नंबर 4 देयर आर बिग वेव्स। सो स्टूडेंट एज यू नो दैट वी हैड डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो अप टू हियर एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दीज लाइन्स। ओके सो लेट गेट स्टार्ट। वेव्स दैट कैन विस्पर, वेव दैट कैन रोर, and tiny waves that run at you running on the shore। so जो poet हैं इस poem के Eleanor Farzon, वो क्या बोलते हैं कि waves that can whisper। तो waves जो है as you know कि इस poem में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लहरों के बारे में बात कर रहे हैं, waves के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप लोगों ने सुना होगा अगर जो समुद्र के किनारे गए हैं, जो बीचेस में गए हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा कि रात में बहुत हल्की हल्की धीरे धीरे आवाज़ आती है लहरों की, बिल्कुल हल्की हल्की आवाज़ आती है। तो उसी चीज़ को लेके एलेनोर फर्ज़ोन जो हैं वो बोलते हैं कि जो लहरें हैं वो तो कभी कभी क्या है, बिल्कुल धीरे धीरे आवाज़ करते, विस्पर मतलब फिसफिसाना, ठीक है ना, फुसफुसा के जो वैसे बात करते हैं हम लोग उसको बोलते हैं विस्पर। तो वेव्स तो कभी कभी एकदम धीरे धीरे आवाज़ करती है, जैसे कि वो फुसफुसा रही हो, आपस में बात कर रही हो, ठीक है। एंड वेव्स दैट कैन रोर, और कभी कभी जब तूफान आता है या दिन के समय में बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि बहुत बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, और जब बड़ी बड़ी लहरें आती हैं तो बहुत ज़्यादा शोर होता है, बहुत ज़्यादा आवाज़ होता है। तो जो एलेनोर फर्ज़ोन है वो यही बोलते हैं कि जो वेव्स है कभी कभी तो इतनी ज़ोर से आवाज़ करते हैं कि जैसे लगता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो दहाड़ रहे हैं। रोर, रोर मतलब क्या होता है, दहाड़ना, है ना। जैसे लॉयंस क्या करते हैं, लॉयंस भी कभी कभी लॉयंस हमेशा रोर करते हैं ना, तो क्या करते हैं वो दहाड़ते हैं ना। तो वैसे ही जो एलेनोर फर्ज़ोन है, देखिए जो पोइट्स होते हैं ना, पोइट्स की ये स्पेशलिटी होती है कि वो बहुत सिंपल जो चीज़ होती है, बहुत माइनर सी, ऐसी हम लोग की रोज़मर्रा, हम लोग बहुत लोगों ने जो है समुद्र देखा होगा, बीच में गए होंगे, है ना। हम लोगों ने कई बार टीवी के थ्रू जो है हम लोगों ने समुद्र को देखा है, वेव्स को देखा है, लेकिन हम लोग के माइंड में ये सब चीज़ें नहीं आ सकती, बिकॉज ठीक है ना। लेकिन जो पोइट्स होते हैं, जो कवि होते हैं, वो थोड़े चीज़ों को बहुत एम्फसाइज करते हैं, चीज़ों को बहुत बहुत गहराई से देखते हैं, हर चीज़ को बहुत एक्सप्लेन करते हैं। उनका एक अलग ही मतलब एक क्या बोलते हैं, काल्पनिक सोच होती है उनका, एक सोचने का एक अलग ही जो है नज़रिया होता है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है सोचने का। तो वो जो है इन चीज़ों को जो है अपने हिसाब से देखिए, कितनी उन्होंने ब्यूटिफुली इसको एक्सप्लेन किया है। वेव्स दैट कैन विस्पर, वेव्स दैट कैन रोर, मतलब कभी कभी तो जो लहरें होती हैं वो बिल्कुल शांत, बिल्कुल ऐसे धीरे धीरे उनमें से आवाज़ आती है, ऐसे कि वो आपस में कुछ फुसफुसा रही हों, आपस में कुछ बात कर रही हों। लेकिन कभी कभी वो क्या करती हैं, वो ऐसा मतलब इतनी ज़ोर से उनमें आवाज़ होती है, इतनी ज़ोर ज़ोर से मतलब लहरों में आवाज़ होती है कि लगता है जैसे कि वो क्या कर रही हैं, वो दहाड़ रही हों, ठीक है। एंड टाइनी वेव्स दैट रन एट यू रनिंग ऑन द शोर, मतलब कभी कभी जो है टाइनी वेव्स दी जो लहरें होती कभी इतनी छोटी 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 होती हैं कि लगता है जैसे कि वो किनारे पे ऐसे आती हैं, जैसे कि वो आपके पीछे दौड़ती हुई आ रही हैं, ऐसे लगता है जैसे कि वो छोटी छोटी जो लहरें हैं आपके साथ खेल रही हैं, और आप लोग उसे कि बोलते ना पकड़म पकड़ाई खेलना। तो जो टाइनी वेव्स हैं, छोटी छोटी जो वेव, टाइनी मतलब क्या होता है, छोटी छोटी, ओके, छोटी छोटी,
तो जो टाइनी वेव्स हैं, जो छोटी छोटी लहरें हैं, वो जब किनारों पे आती हैं तो ऐसे लगता है जैसे कि वो आपके साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही हैं, आपके साथ खेल रही हैं, ऐसा लगता है आपके पीछे दौड़ रही हैं, ऐसा लगता है। ओके स्टूडेंट्स, सो कितनी ब्यूटीफुली उन्होंने एक्सप्लेन किया है इन चीज़ों को कि वेव्स दैट कैन विस्पर, वेव दैट कैन रोर, एंड टाइनी वेव्स दैट रन एट यू रनिंग ऑन द शोर। मतलब इसको मैं अब एक बार में पूरा एक्सप्लेन करती हूँ। मैं अभी तक जो है लाइन वाइज कर रही थी, अब इसको पूरा सुनिए कि एलेनोर फर्जोन जो है वो बोलते हैं कि वेव्स को देख के लगता है कि जैसे कि वो आपस में जो है कुछ फुसफुसा के बात कर रही हैं, और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे वेव्स क्या कर रही हैं, वेव्स दहाड़ रही हैं, ठीक है, वो दहाड़ रही हैं। और कभी कभी वेव्स को देख के ऐसे लगता है जब वो शोर, शोर मतलब क्या होता है, किनारों पे, जब वो किनारों पे आती हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे वो आपके पीछे पीछे दौड़ रही हैं या आपके साथ खेलने की कोशिश कर रही हैं। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये लाइंस जो हैं, ये रेस्ट बची लाइनें जो हैं वो समझ में आई होंगी। और टुमारो हम क्या करेंगे, हम पूरे जो लाइंस हैं, पूरे पोएम की जितनी लाइंस हैं सबको एक साथ एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन रेस्ट जो बुक के एक्सरसाइज बचेंगे उसको करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।